A very good morning to one and all. Standard 7 Unit 2 Exploring Puzzles. Let's see activity 1. This is a story of Emperor Akbar and Birbal. You all know about Emperor Akbar and Birbal. Akbar was an emperor and Birbal was the wisest or we can say the cleverest person in his country. Emperor Akbar was a great and wise ruler, and he had a fine advisor in his court. राजा अकबर एक अच्छे रूलर थे और साथ ही साथ उनके कोर्ट में कई अच्छे सारे एडवाइजर्स भी हुआ करते थे बट द वाइजेस्ट ऑफ दिस वॉज बीरबल लेकिन उन सब में से सबसे शयाना या फिर सबसे अगर होशियार कहे तो वो था बिरबल वेन एवर द एम्पर थॉट ऑफ अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम और पजल टर्न टू बिरबल जब भी कोई प्रॉब्लम आते या जब भी कोई परेशानी होती या जब भी कोई पजल या फिर समस्या में होते तो अकबर हमेशा बीरबल की सलाह लेते थे वन प्लीजेंट इवनिंग इन मार्च अकबर वॉज ट्रोलिंग इन हिस्स क्वाटयर ही हैड हैस्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन इन द ईस्ट एंड ही वॉन्टेड अ लिटल अम्यूजमेंट एक आ, समय की बात है कि भाई जब इवनिंग मार्च का महीना था और शाम का वक्त था राजा अकबर अपने क्वार्टियर में घूम रहे थे और उन्होंने फिलहाल ही मिलिट्री कैंपेन कंप्लीट किया था और वो छोटी सी शरारत करने के मूड में थे सडनली ही टर्न टू हिज क्वारियस एंड से मी वॉट शुड बी द पनिशमेंट फॉर सम वन वु टू ट्विक योर एम्पायक वो सडनली ही अपने क्वार्टियर्स से कहते हैं कि अगर तुम्हारे राजा की मूछे बड़ी बड़ी अभी भाई राजा की मूछें है तो वो तो कैसी होगी और पहले के जमाने में वैसे भी ऐसा था कि राजा की मूछे मतलब वो अपने शान और शौकत मानते थे अगर कोई राजा की मूछों को खींचेगा तो उसे क्या करना चाहिए द वर शॉक एट द थॉट ओनली द मोस्ट फाउल क्रिमिनल वुड डेर टू टच द किंग और सभी लोग कोर्टियर्स दरबारी बोलने लगे कि कोई गधा ही होगा या फिर कोई बड़ा सा क्रिमिनल होगा जो आपकी मूछों को छूने की कोशिश करेगा या फिर गुस्ताखी की करेगा शाहबाज खान स्पोक अप माई लॉर्ड दिस विलन शुड बी मर्सीलेसली फ्लॉक टू डेथ जो शाहबाज खान एक क्वारियर था दरबारी था उसने ऐसा कहा कि भाई उसे मौत की सजा देनी चाहिए बिहेडेड इन फुल पब्लिक व्यू योर ऑनर सेड पाइज़ा। मुल्ला दो पाइज़ा ने ऐसा कहा कि उसे सबके सामने फांसी की सजा देनी चाहिए व विलन शुड बी थ्रोन डाउन फ्रॉम द फॉर्ट ऑफ और बी हैंदिशाह ने ऐसा कहा कि उसे या तो फांसी की सजा दे दो या फिर उसे मार दो एंड यू बीरबल अब राजा अकबर को तो बीरबल का ही आंसर सुनना था इसीलिए उन्होंने लास्ट में ही बीरबल को पूछा कि बीरबल तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए वट पनिशमेंट डू यू सजेस्ट फॉर द ऑफेंडर आस्क द एम्पर शाह आलम शेर बिरबल कामली, बीरबल बड़े आदर और शौक से शाह आलम मतलब शाह आलम कहने का मतलब है कि एक रिस्पेक्ट देना आई वुड हिम सम स्वीट वो कहता है कि मैं उसे एक चॉकलेट्स दूंगा या फिर कोई स्वीट्स दूंगा द अदर क्वारियर्स गैप एट बीरबल हैड ही गॉन मैड सारे कोर्टियर्स आपस में बात करने लगे और कहने लगे कि यह बीरबल पागल हो गया है स्वीट्स फॉर सच अ क्राइम दिस टाइम बीरबल वॉज रॉन्ग और ऐसे क्राइम के लिए बीरबल चॉकलेट्स देगा इस बार तो पक्का बीरबल गलत है उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि, कि इससे पहले भी बीरबल हमेशा सबसे अच्छा आंसर देता था और राजा अकबर का एकदम खासम खास माना जाता था अकबर फ्रॉन डिड आई हियर यू राइट right, बीरबल अकबर थोड़ा शॉकिंग या फिर सरप्राइज होने का नाटक करते हुए और कहते हैं कि क्या इस बार मैं सही सुन रहा हूं यू कंसिडर गिविंग स्वीट टू बी द राइट पनिशमेंट फॉर सच क्राइम तुम्हें लगता है कि ऐसे क्राइम करने वाले को स्वीट देनी चाहिए ओनली इन दिस केस योर मैजेस्टी बिरबल रिप्लाइड बिरबल कहता है और बड़े प्यार से कहता है कि हाँ, योर मैजेस्टी राजा सिर्फ इस केस में बिकॉज स बट यूर बिलउड ग्रांडसन वूड डेयर टू टेक अ सच लिबर्टी विथ द किंग्स ऑफ किंग और जहां तक मैं मानता हूं तो ऐसी लिबर्टी तो आपका पोता ही ले सकता है अकबर ब्रश्ड आउट लाफिंग अकबर जोर से हंसने लगे यू आर राइट अगेन बिरबल इट वॉज इंडिड दैट लिटल रास्कल वू ट्विक माई मस्टेक दिस इवनिंग अकबर जोर से हंसने लगे और कहने लगे बिरबल इस बार भी तुम राइट ही हो वो मेरा पोता नन्ना सा सैतान इसने आज शाम को ही मेरे साथ ऐसा किया था दैट्स ऑल फॉर द स्टोरी इफ यू फाउंड एनी डिफिकल्टी देन प्लीज रिवाइंड द वीडियो एंड सी द वीडियो प्रोपरली एंड फाइंड आउट वर्ड मीनिंग और कंप्लीट द मेज द फॉलोइंग रिफरिंग द सोर्स ऑफ डिक्शनरी अनदर लेसन और अनदर कंटेंट वी विल सी फर्दर and if you found any difficulty you can comment in inbox thank you